नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी, जिनका एक और अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। तानाशाह ने देश के पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर फरमान जारी करते हुए कहा है कि 11 दिनों तक मुल्क में कोई खुशी नहीं मनाएगा। राष्ट्रीय शोक के दौरान लोगों के हंसने, शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि मौजूदा तानाशाह किम जोंग उन किम जोंग इल का बेटा है। उत्तर कोरिया शोक मना रहा है। ये शोक है उसके पूर्व नेता किम जोंग इल के 10वीं बरसी का। पूर्व लीडर के निधन के 10 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया की जनता पर 11 दिनों का बैन लगाया गया है। इस दौरान देश के लोग ना हंस सकते हैं और ना ही शराब पी सकते हैं। सरकारी अधिकारियों ने किम जोंग इल के निधन की याद में लोगों को किसी भी तरह की खुशी न जाहिर करने का सख्त आदेश दिया है। किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया पर 1994 से 2011 तक शासन किया, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। किम जोंग इल के बाद उनके तीसरे और सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन ने देश की कमान संभाली। अब उनके निधन के 10 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया के लोगों को 11 दिनों का सख्त शोक मनाने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कोई भी हंसकर या शराब पीकर अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। रेडियो फ्री एशिया से बात करते हुए सिनुइजु शहर के एक निवासी ने बताया कि शोक अवधि के दौरान हम शराब सेवन, हंसना या दूसरी खुशनुमा गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। दोबारा कभी नजर नहीं आए नियम तोड़ने वाले। किम जोंग इल की मृत्यु 17 दिसंबर को हुई थी, इसीलिए इस दिन कोई भी सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक इतिहास में जो लोग शोक के दौरान शराब का सेवन करते या खुशी मनाते पाए गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अपराधी के रूप में सजा दी गई। अधिकारी उन्हें पकड़ कर ले गए और फिर वो दोबारा कभी नजर नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक शोक के दौरान अगर किसी के परिवार में कोई निधन हो जाता है, तब भी उसे तेजी से रोने की अनुमति नहीं होती और वो शव को शोक खत्म होने के बाद ही बाहर ले जा सकते हैं। लोगों के दुख पर पुलिस का पहरा। कहा जाता है कि इस दौरान लोग अपना जन्मदिन नहीं मना सकते। एक दूसरे सूत्र ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को लोगों पर लगातार नजर रखने के लिए कहा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो पर्याप्त दुखी हैं। उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग इल की मौत 17 दिसंबर 2011 को 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हो गई थी। उन्होंने 17 साल देश पर शासन किया। उत्तर कोरिया में हर साल ये शोक मनाया जाता है जो 10 दिनों का होता है, लेकिन इस बार उनकी मौत के 10 साल पूरे होने पर ये 11 दिनों का होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार शोक के दौरान ऐसा नियम लागू किया गया है, पिछले बार भी कुछ ऐसा ही नियम लागू किया गया था। पुलिस को उन लोगों की तलाश करने के लिए कहा गया था जिनके चेहरे पर परेशानी ना दिखती हो। नॉर्थ कोरिया में तानाशाही के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। यहाँ लोगों पर कई नियम थोप दिए गए हैं कि वहाँ के लोग अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। दरअसल यहाँ कपड़े पहनने से लेकर इंटरनेट चलाने तक कई ऐसे नियम हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे में जानते हैं नॉर्थ कोरिया के उन नियमों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि आखिर यहाँ लोग कैसे रह लेते हैं। एक ऐसा देश जो आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भूत सवार है। नॉर्थ कोरिया विश्व के ऐसे देशों में शुमार है जिस पर यूएन द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को इन प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है और ना ही परवाह अपने देश की जनता की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किम जोंग उन अपने देशवासियों पर तानाशाही का राज चलाता है और उसके द्वारा नॉर्थ कोरिया में क्या क्या कानून बनाए गए हैं। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को जीन्स पहनने की मनाही है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, और अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। देश में चुनाव होते हैं, मगर जनता के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का विकल्प होता है। सन 1948 से देश पर एक ही परिवार का शासन है। ये बात भी हास्यपद है कि एक परिवार का शासन होने के बाद भी हर साल चुनाव होते हैं। ये चुनाव मेयर और प्रांतीय सरकार या फिर लोकल असेंबली के लिए होते हैं, जबकि वोटर्स के पास बैलेंस पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार होता है। भारत में पॉर्न साइट्स के बैन पर अगर आप आलोचना करते हैं,
तो आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया की जनता को बस 28 वेबसाइट्स को एक्सेस करने की आजादी है। यहाँ के इंटरनेट को कॉमयोंग या ब्राइट नाम से जाना जाता है। इंटरनेट सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है। अगर सिर्फ 28 वेबसाइट को एक्सेस करने की आजादी है तो कंप्यूटर खरीदना उससे भी बड़ा सिरदर्द है। यहाँ पर कंप्यूटर्स बहुत महंगे हैं। साथ ही अगर किसी को कंप्यूटर्स खरीदने हैं तो फिर उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स को मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी हासिल हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई हेयर स्टाइल रखी गई तो फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो वो अपनी मर्जी से पसंदीदा हेयर स्टाइल रख सकती है, मगर कोई महिला सिंगल है तो फिर उसे अपने बाल छोटे रखने होंगे। यहाँ पर धर्म की आजादी नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो फिर उसे मौत की सजा दी जाती है। विदेशी संगीत सुनना या विदेश भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को रद्द करने का एक फरमान जारी किया जिसमें राज्य प्रतिबंधित गाने मौजूद थे। अमेरिकी फिल्म देखने वाले को फांसी दी जा सकती है जबकि भारतीय फिल्म देखने पर कारावास हो सकती है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो लेकिन नॉर्थ कोरिया कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 106वां जुशे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। उत्तर कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रखी है। साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका नेवी का जहाज अपने कब्जे में लिया हुआ है। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक यहाँ के नागरिकों को भिखारियों की फोटो खींचने की मनाही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबी का आंकड़ा सर्वाधिक है। जहाँ दुनिया DTH और OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई, वहीं आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आजादी है। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का ही नियंत्रण है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए भी अगर बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली चली जाती है। ये बात तब सामने आई थी जब अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी। यह आश्चर्य की बात होनी चाहिए कि देश का तानाशाह ये भी नियंत्रित करता है कि उसके लोग कहाँ रहेंगे। उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंगयांग में रहने में सक्षम होने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है और राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने WhatsApp स्टेटस और Facebook स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने कुछ सजेशंस भी आप हमको दे सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस हम और बेहतर बना सकें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।